सत्तवीं क्लास के विद्यार्थी हो हूँ पाँच इस वीडियो के अध्याय पाँच के एम सी क्यूज कर जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज पेपर के आने वाले, ध्यान वीडियो देखियो, ध्यान क्वेश्चन समझना है ते वध तो वध इस वीडियो शेयर करना है ते लाइक जरूर करना है बेटा। क्वेश्चन की है देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। तुहानू जिवें कि पता ही है कि बहुविकल्पी प्रश्न किहड़े हुंदे ने जिहदे विच एक क्वेश्चन के अगे चार ऑप्शन हुंदियां ने ते असीं उन्हां चारां दे विचों एक सही आंसर नूं लभना हुंदा है। ते देखो क्वेश्चन की है, पूरक कोणां दा जोड़ा है डैश अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज। हुण तुहानू याद होना चाहिए बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जां पूरक कोण किहड़े हुंदे ने, जिन्हों को उन्हों का जोड़ 90 डिग्री है उसनू पूरक कोण कहने। इस गल का ध्यान रखियो, यद मतलब असं इन्हों जोड़ के देखना पैना सानू। 55 115 जोड़ांगे तो 170 आउंदा या 90 नहीं आता बेटा, जोड़ के करके देख सकते हो तुसीं। इहदा मतलब एक पूरक कोण का जोड़ा नहीं हो सकता। 65 दे विच 125 जोड़ांगे तो भी 190 बन जाता है, जो कि पूरक कोण का जोड़ा नहीं हो सकता क्योंकि जोड़ सानू 90 चाहिए है। 47 दे विच 133 जोड़ांगे तो बेटा वह भी साढ़े को जोड़ा है 180 बन जाता है, ये भी साढ़े को पूरक कोण का जोड़ा नहीं होएगा, संपूरक का हो सकता है क्योंकि संपूरक कोण होंगे ने 180, पूरक 90 होंगे ने। 40 ते 50 का जोड़ सबनों दिसदा है कि 90 है, इस करके साडा ऑप्शन कहड़ा आ गया है, चौथा ऑप्शन आ गया। देखो सानू कुछ प्लस करके देखने की भी लोड़ नहीं पई, अंडरस्टैंडिंग ही है कि सानू देखते दे ही पता लग गया कि बस पता की होना चाहिए कि पूरक कोण कहड़े होंगे ने जिन्हों का जोड़ 90 होंगे है। हुण दूजा क्वेश्चन देखोगे आपां, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोणा का जोड़ा तुहानू तो दस्या ही होना कि पूरक होंदा है 90 ते संपूरक होंदा है 180 डिग्री। हुण असीं जोड़ करके देखना है कि किन्हां दा जोड़ 180 आ रहा है, उही साडा आंसर होएगा। सब तो पहला असीं 55 ते 115 नूं जोड़ के देखिया, तुसीं जोड़ करके भी देख सकते हो कि 115 दे विच असीं 55 जोड़ के देखिया तो 5 5 10 जीरो पर 1 5 6 7 170 आ रहा है, ये साडा आंसर नहीं हो सकता। फिर असी 65 दे विच 125 जोड़ के देख लैने, 65 दे विच असी 125 नूं जोड़िया तो साढ़े को 5 5 10 उपर 1 6 7 8 9 190 आ गया, ये भी साडा आंसर नहीं हो सकता। अगे चलते हैं असी 133 47 जोड़ते हैं, 7 10 जीरो पर 1 4 3 7 8 तो 180 आ गया बेटा जी, तो सी ऑप्शन ही साडा आंसर होएगा। इस गल का याद रखना है, पूरक कोण जिन्हों का जोड़ 90, संपूरक कोण जिन्हों का जोड़ 180 होंदा है। हुण तीजे क्वेश्चन पर चलते हैं, कहिंदा है कि इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट दैन द अदर एंगल इज, रेखी जोड़ा यह होंदा है बेटा, रेखी जोड़ा ध्यान समझना है, आडा रेखी जोड़ा होंदा है। एक कोण न्यून कोण, न्यून कोण समझ दो 90 तो छोटा, मान लो मैंने इनू मान लिया 80 डिग्री, एक कोण न्यून कोण हो तो दूजा कितना होंगे तुम दस, दूजा कितना पता करते हैं 180 चो घटा के 100 आ गया, जोड़ 180 होंगे ना। यदा मतलब ये समझ जाओ कि जे एक कोण न्यून है तो दूजे ने तुहाडा की होना है अधिक कोण, बिल्कुल ठीक, क्योंकि 90 तो व्डे असं की बोल दें अधिक कोण, बी ऑप्शन है साडा। देखो एक कोण न्यून होवे तो दूजा अधिक होगा, इस गल का याद रखना है। रेखी जोड़ा दे उत्ते दो कोण होंदे ने बेटा, एक कोण एक्यूट न्यून कोण तो दूजा ऑप्टिउस अधिक कोण होगा, बिल्कुल सही। हुण ध्यान नाल क्वेश्चन नूं हल करदे होए आपां चौथे क्वेश्चन वल चलदे हां। चित्र विच एल ते एम समांतर हन तां एक्स दा मुल पता करो, ध्यान नाल देखना है बेटा सारयां ने। हुण एक्स का मुल किवें पता किया जाएगा, तुहाडे सामने इस डायग्राम नूं ध्यान नाल देखा जाए तो तुहाडे सामने जैड बन रहा है, तुसीं देखो ध्यान नाल बन गया ना जैड, देखो जे जैड बन गया तो तुहानूं पता है कि जैड के अंदरले कोणां नूं एक बराबर होंदे ने, मतलब 3x-40 जो है वह 110 के बराबर होएगा, कारण एकांतर कोण है ना, तो 3x के बराबर आ गया 110, 40 माइनस तो उत्ते जाके प्लस हो गया, ठीक है ना। हम जोड़ करांगे
110 ते 40 नूं जोड़िया तो 3x आ गया बेटा जी 150, तो x कितना आ गया 150 बटा 3। हुण 150 नूं 3 नाल भाग कर लो तुहाडे कोल आ गया 50 डिग्री। इहदा मतलब तुसीं x दा मुल कितना पता कीता 50 डिग्री पता कीता। तो जो कि तुहाडा ऑप्शन कहड़ा है तुहाडा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। ध्यान देखो बेटा किस तरीके ना तुहानूं समझाया गया है कि जदों भी तुहाडे कोल जेड बनता है तो वो अंदरले कोण बराबर रख के असी एक्स का मुल पता करना होता है। तो इस तरह साडा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। हुण आपां पंजवें क्वेश्चन में चलांगे। बहुत ही सिंपल वे नाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान नाल समझने की कोशिश करो तो वीडियो नूं पूरा अंत तक देखियो। लो जी पंजवें क्वेश्चन वाल पहुँच गए हैं। दिते गए चित्र विच एक्स का मूल पता करो। फिर दोबारा असीं एक्स का मूल ही पता करन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखो तुहानूं जिवें कि समझाया सीगा कि तुसीं सब तो पहला की काम करना होंदा है किसी भी तरह ब्रैकेट के अंदर कौन लैके आने होंदे ने। जिस ब्रैकेट के अंदर कौन आ जाता उन्हों का जोड़ 180 होंदा है। दस्या से ना इहदा मतलब आह वाला कौन जिहड़ा सी ए मान लैने आ उह 75 होवेगा। कारण तो तुहानूं पता ही है शिखर सन्मुख कौन। इहदा मतलब सब तो पहले असीं की किया कि कौन ए जिहड़ा है उह 75 होएगा। कारण है शिखर सन्मुख कौन। लिखना है तो लिख भी सकते हो। ये एम सी क्यूज़ ने बेटा जी, तो इहनूं हल करके दिखाना तो नहीं हुंदा, सीधा आंसर लिखना हुंदा, लेकिन हल करोंगे तो आंसर पता लगेगा ना। तो मैं तो तुहानूं हल करके समझाऊंगा कि बेटा किस तरह असीं एक्स का मुल पता कर रहे हैं। ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल तो असी ए कोण 75 बनाया, तो हुण अंदरले कोण का जोड़ एक्स ते 75 मिल के कितना कोण बनाउणगे 180। तुहानूं पता ही है काटवीं रेखा दे इक्को पासे ते अंदरूनी कोण जां को इंटीरियर एंगल। तो हुण एक्स बराबर आ गया 180 माइनस 75, क्योंकि 75 नूं अंदर भेजता, तो एक्स 180 दे विचों 75 कटाओ, तुहाडे कोल आ गया 105 डिग्री। इस तरह सी सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। असी पंजवें क्वेश्चन का भी आंसर पता कर लिया है, उम्मीद है समझ आई होगी। हुण आपां छेवें क्वेश्चन वल चलते हैं, ध्यान नाल वीडियो नूं देखना है। लो जी छेवें क्वेश्चन च कहिंदा है दित्ते चित्र विच एक्स का मुल पता करो जे एल एम दे समांतर हो जावे। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स दैट विल मेक द लाइन एल एंड एम पैरेलल। हुण तुहानूं जिवें कि तुहानूं चंगी तरह समझाया जा चुका है कि असीं सब तो पहलां इस ब्रैकेट के अंदर कौन लैणे हुंदे ने जिहड़े पहले ही ब्रैकेट के अंदर ने, ते इन्हां दा जोड़ कितना होएगा 180 होएगा, है ना। तो सब तो पहलां असीं की लिखांगे कि 5x ते 4x का जोड़ 180 होएगा। कारण तुहानूं पता ही है काटवीं रेखा दे इक्को पासे दे अंदरूनी कोण, इंग्लिश वाले लिए को इंटीरियर एंगल। ते हुण 5x ते 4x नूं जोड़िया तो साडे कोल की आ गया 9x बराबर 180। ते हुण एक्स पता करन लई आपां 180 दे कोल 9 नूं भेजिया, ते 9 गुणा करदा करदा भाग कर गया। हुण 180 नूं असीं की करना है 9 नाल भाग करने हैं। तुहानूं तो पता ही है कि 180 नूं 9 नाल भाग करके सानूं किन्ना आंसर मिलता है 20 डिग्री मिलता है। तो इस तरह से अपना आंसर कितना पता कर लिया 20 डिग्री, जो कि साडा ऑप्शन नंबर है ए। तो इस तरह बेटा साडी जिहड़ी है एक्सरसाइज चैप्टर पंजवें दे सारे MCQs असी कंप्लीट कर लेने। उम्मीद है तुहानूं समझ आया होएगा। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी होवे, तुहानूं पूरा चैप्टर चंगी तरह समझ आया होवे, तो वीडियो नूं लाइक जरूर करना बेटा, तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करना भी ना भुल्यो। वध तो वध शेयर करे उस वीडियो नूं, तां जो सारे विद्यार्थी इस वीडियो नाल मैथ समझ सकन ते उन्हां नूं भी मैथ सौखा लगे।